वेलकम बैक गाइस टू रघुसा गेमिंग। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और खेलते हैं गॉड ऑफ वॉर 2 वेरी हार्ड मोड, और ये उसका पार्ट 7 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिकली हमें इस यूरियल के गेट में तो जाना है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा आइटम लेने के लिए वापस जाऊँगा, और वो है अर्न मिलेगा हमें एक। उस अर्न की पावर ये है कि जब हम स्पीड रन करेंगे, मतलब मैं एक स्पीड रन भी डालूंगा जिसमें मैं गेम को एक ही बारी में ख़त्म करूंगा और जल्दी जल्दी करूंगा, तो उसे 2.5 घंटे में गेम ख़त्म हो जाएगी, तब मैं उसका यूज़ करूंगा, इसलिए मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। हमें बैक पूरा बैक जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। मैं सीक्रेट लोकेशन भी है, और मैंने आपको पहले बताया था मैं सारी सीक्रेट लोकेशन बताऊँगा कौन सी चीज़ कहाँ है। टोटल गेम में हमें 4 अर्न्स मिलती हैं, एक स्टार्टिंग में मिली थी, ये सेकेंड अर्न है, 2 और अर्न्स मिलेंगी जब उनकी लोकेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आप बिजी हो जाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, ये देखिए कितना पावरफुल अटैक है, और अब मैं इसी अटैक का यूज़ करूँगा सबको हराने के लिए। अरे भैया रुक जाओ, शक्तिमान, मेरी बारी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं पूरा वापस जाना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे। हम मोस्टली जगह पार कर ही चुके हैं। चलिए फटाफट से 2 पेट्रोल करते हैं। सेव मैं नहीं करूँगा, सेव हम कर चुके थे। वो देखिए वो हमारा इंतजार कर रहा है, और मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ रेड ऑक्स के लिए। चलिए चलते हैं, आ जाओ इधर। रेड ऑक्स को नहीं दिया, लेकिन ब्लड ग्लेशियर पॉइंट्स के लिए 5 पॉइंट्स कमा लिए। और वहाँ पे एक आग और एक फैदर भी मिलेगा, इसलिए जाना जरूरी है। हम आ गए हैं, टाइम को स्लो कर लेते हैं। ये है वो जगह, ये देखो। मैं पहले को जमा दूंगा, चलिए ले लेते हैं। ये हमें मिला एक फैदर, छिलने वाला अटैक नहीं मार रहा है, तो कैसा हो सकता है कि मैं जम जाऊं बीच में और गेम भर जाए। ये देखिए हमने एक लास्ट वाला भी फोड़ दिया है, और ले लेते हैं यहाँ पे आग। चलिए सिर्फ 2 ही आग चाहिए हमें। देखिए मैं इसलिए हेल्थ छोड़ के गया था,
मारे तो वापस आएंगे तो हेल्थ कम हो जाएगी, तो हेल्थ ले लेते हैं। अब चलते हैं यूरियल के टेंपल में। मैं फटाफट सेव कर लेता हूँ। अब देखिए जो जो लेजर्स हैं उनको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमने कर दिया रिफ्लेक्ट। चलिए चलते हैं और थोड़ी देर में हमारी फाइट होगी यूरियल से और हमें मिलेगी हमारी तीसरी मैजिक। ठीक है, हेल्पफुल है तो मैं नहीं लूँगा। जल्दी जल्दी फोड़ देते हैं। ओह नो, ओह नो, नो। ये लो, पास मत आओ मेरे। को लेके जल्दी से पटक देते हैं। चलिए फिर थोड़ी ऑप्स, क्योंकि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे इसलिए मैं यहाँ से ये पावर अप ले लेता हूँ, क्योंकि तो नीचे और भी लोग आने वाले हैं। मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि यूएल यूएल के साथ में मुझे मैजिक की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से खेलूंगा। देखिए गोल्डन फिश की ताकत देखिए आप, गोल्डन फिश क्यों इतना जरूरी था। अगर आप सही टाइमिंग में करते हैं तो आप बहुत को अटैक मिस करवा सकते हैं। इधर आ जाऊंगा मैं। फिर आ जाते हैं और इसको घुमा के फेंक देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर लेके जाता है। ओह नो, फंस गया, हम फंस गए। भाग, जब भी आप ट्रैप हो जाइए हमेशा निकलने की कोशिश कीजिए। ये देखिए इसको मार देते हैं। मर जाओ। तो पकड़ते हैं और फेंक देते हैं इसको। तो यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ दो एनिमी पीछे हैं। अभी इसको भी पीछे से मार देते हैं। तो एक लौटा चाय बेचारा। हो गया है ये सेक्शन कंप्लीट। हेल्थ ले लेते हैं। ये देखिए कावर्ड तोड़ के चला जाएगा।
ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे बेटा मुझसे पंगा लेके, बस इतना काफ़ी है। यहीं तोड़ के फेंक देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे खुफिया दरवाजा दोनों पड़ जाएगा ये। ओ देखिए आपको सच बताऊँ मुझे तो आग सा ये नहीं पता यहाँ पे भी एक खुफिया दरवाजा। चलिए देखा कितने सारे इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी भी बची हुई है इस गेम में। ओह नो राजा कूद गए। चलो चलो और ये पाइप बनना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ों का नौकर लगा लेता है। तो मैं यूज करूँगा अपने गोल्डन फेस का। तो बहुत ही सफर से मारना पड़ता है वरना ये आपको मार देगा। थोड़ा पीछे आ जाते हैं रोशनी ज़्यादा ही हो गई। चलिए मार देते हैं। और कर लेते हैं अपनी गेम सेव। मेरे ख्याल से हम यूरियल की फाइट के बिल्कुल नज़दीक ही है। इस गेट के नीचे ये गेट खोलते हैं यूरियल की फाइट आ जाएगी। अरे देख लेते कुछ है तो नहीं। चलिए धीरे 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 चलेंगे क्योंकि बहुत ही पावर जाने वाली है। बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से वेट करते हुए ओ नो ये देखिए एक ही बारी में हमारी गेम मर गए। पूरी की पूरी हेल्थ चली गई एक ही बारी में। शिट बहुत ही संभल के करना पड़ेगा हमें। ओ नो चलिए चलते हैं दोबारा। इस बार मैं पक्का कर लूँगा मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा। मैं वेट करते हैं। ओ नो टच हो गया। गलती की कोई जगह नहीं है मेरी यार्ड में इस बात का समझ लीजिए। पुराने तरीके से जल्दी बाजी नहीं कर सकता। तो मेरी हेल्थ फुल है देखिए फुल है हेल्थ है अभी मैं एक बार भी टच नहीं कर सकता हूँ। ओ नो वो जल्दी कर दिया। चलिए आराम आराम से करते हैं जल्दीबाजी से नहीं होने वाला बट कुछ कुछ जगह पर जल्दीबाजी करनी पड़ेगी हमें। जैसे कि यहाँ पे
छोटेगी यहाँ पे, और ये देखिए हो गया है पार। हेल्थ हेल्थ मेरी एक ही बार में खत्म हो जाती है, फायदा ही क्या। भागिए, एक और गेट है यहाँ पे, लीवर है, क्योंकि अगर वो लीवर नहीं खुला आपने, गेट नहीं खुलेगा। और देखिए गेट भी है, फटाफट आते हैं। और ये फाइनली ये जगह हो गई पार। अब हमारी पारी है लड़ाई से, लड़ाई करें हम किससे, यूरियल से। देखिए आ गई है यूरियल। स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया हमें। तो ये वाला अटैक इसका अनलॉकेबल है, इसलिए डॉच कर लूंगा मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आप रोल करके अगर परफेक्ट टाइमिंग पर रोल करते हैं बच सकते हैं। मैं नहीं क्यों मरेगी, से रोल करना है और जो ऊपर से कूद जाएगी बहुत ही ध्यान से कूदना ना भूले, अगर आप कूदेंगे नहीं तो पावर चल जाएगा। जो ये दो तीन अटैक करिए और भी बताइए। नहीं कर पाऊंगी यूरियल से, मेरा वो तुम्हारी सारी पिच पता है। उन्होंने जमा दिया, अभी छलांग लगा देगी। देखिए पहला की यूरियल यूरियल नीचे, रंग हो जाइए। ये देखिए ये टूट गए, चलिए पीछे चलिए। और लोग जम गए हम, टैक्स से बचने के लिए होल्ड कर लीजिए। ये सेकंड में तोड़ दिया हमने, कुछ नहीं करना, मैं दूर रहूंगा और दूर मारूंगा।
दोनों बच गए, अभी हमें तोड़ दी थी। चलिए फिर अपनी आँख चालू कर लेते हैं और यह एक्वेरियम खत्म। ये गला हमें दे दो ठाकुर। और ये मिल गए हैं हमें अपने एनिमीज को स्टोन में बनाने की ताकत। Let the rage of the titans fuel your blades, Kratos. फटाफट से बना के दूसरे सेगमेंट पार कर लेते हैं। खुल गया है गेट। चलिए चलते हैं आगे। सेविंग बिल्कुल सेविंग करेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है जहाँ पर आपको जंप कर करके, हवा में जंप कर करके और स्विंग कर करके ये सेक्शन पूरा पार करना है। बहुत ही मजा आने वाला है इस सेक्शन में। चलिए पहला लीवर ओपन करते हैं। ये देखिए सामने आपको दो बॉक्स दिख रहे होंगे रेड ऑप्स के। गेट ओपन किया हमने और एलेवन आर वन दबा दिया टाइम चलो करने के लिए। इसलिए क्या है क्योंकि जो गेट होता है वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। जब हम स्विफ्टली, आपको पता है कि हमारे पास एमुलेट है, एमुलेट ऑफ फेट, जिससे हम टाइम को उसको धीमा कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये देखिए आ गए हम इस सेगमेंट में, चलते हैं ऊपर। पहले लेते हैं बॉक्स जो यहाँ पर छुपा हुआ है और ये देखिए आगे फिर मिल गई है और हमारी हेल्थ और इंक्रीज हो गई। अब इससे ज़्यादा हेल्थ नहीं इंक्रीज नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा हेल्थ इंक्रीज करने के लिए हमें एक सीक्रेट बॉक्स खोलना पड़ेगा हेल्थ वाला। इसकी लोकेशन मुझे पता है, मैं आपको बताऊँगा कहाँ मिलेगी। आप जितने भी हमारे आँख वाले बॉक्सेज हैं वो रेड ऑप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। इस गेट को तोड़ देते हैं, दो ही तोड़ देते हैं, चलते हैं। पहले गेट ओपन कर लेते हैं, ये तो सारी मेहनत बेकार जाएगी हमारी, दोबारा हमें यहाँ आना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे क्योंकि हम ऊपर से दो तीन चीजें लेकर नहीं, सबसे पहले तो एक दबाना है। आगे देखिए एक ऑटोमेटिक गेट खुल जाए और हम डायरेक्टली यहाँ से ऊपर आ सकते हैं। दूसरी चीज ये देखिए रेड ऑप्स, चलिए चलते हैं और करते हैं घुमाते हैं अपना आखिरी लीवर।
मारना बहुत ही आसान है, ट्रायंगल ट्रायंगल वाला अटैक करते रहिए और ये मर जाएंगे। दूरी बना के रखिए और एक ट्रायंगल वाला अटैक मारिए। पहले हम छोटे वाले बंदे को मारेंगे क्योंकि बहुत परेशान करेगा अपने सभी मार। चलिए मुझे चलिए वैसे ही मार देते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हम हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे कुलिन वाला कॉम्बो खोल दिया है। चलिए बात ये सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। और ये वाला जो पूरी लीवर है ये टाइम के साथ नीचे आता रहता है तो हमें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। चलिए टाइम पर फटाफट चलते हैं ऊपर दोबारा से टाइम को रुकने के लिए। रुक गया हमने दोबारा टाइम। बहुत ही केयरफुली कराएंगे क्योंकि यहाँ पे भी बॉक्सेस है देखिए हिडन और हमारी मैजिक भी अपग्रेड हो गई है। अब हमें 6 बंक और चाहिए फिर हमारी मैजिक और अपग्रेड हो जाएगी। चलिए चलते हैं। ये देखिए आ गए हम कहाँ, लीवर ओपन कर देते हैं और आ जाएंगे कुत्ते। बट अब कुत्तों के लिए मेरे पास नहीं है। ये लो कुत्ते कुछ लिखाओ। देखिए गेट खुलने लगा है और हम तो पिसने वाले हैं। ओ नो क्या करूँ क्या करूँ, खुद दब जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाहुबली बाहुबली कुत्तों की वजह से कुत्तों ने मार दिया। देखा आपने, हमें कुत्तों को मारना जरूरी है उसके लीवर के आने से पहले। चलिए चलते हैं वरना कुत्ते हमें काट लेंगे और हम दब के मर जाएंगे। मैं ही अपना दोबारा से ट्रायंगल 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 वाला अटैक यूज करूँगा क्योंकि वो इस गेम का सबसे पावरफुल अटैक है। मैंने उसे नहीं मार सकता, अगर मैंने उसे मारा तो टाइम चला जाएगा और उनको मार देंगे, इसलिए मैं मैजिक का इस्तेमाल करूँगा थोड़ा टाइम लेने के लिए। निकल पाएंगे नहीं, एक और बार करना पड़ेगा बेसिकली हमें।
चलिए मैं पास में चला जाता हूँ। चलिए हम निकल ही जाएंगे, तो बहुत खुल गया गेट। अरे ये पास आ गए फ्लैट्स। ओह माय गॉड, बहुत पावर लेके चले गए तो हमें हेल्प चाहिए अब। जैसा कि आपको रूप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि हेल्थ है, मैं हेल्थ लूंगा क्योंकि लची क्यों नाम काम चला सकते हैं, लेकिन हेल्थ क्यों नाम बिल्कुल मर जाएंगे। बट पहले एक आते हैं एक पंख। देखिए 5 पंख और चाहिए। मिल रहा हूँ मैं हेल्थ, और ये पक्की बात है ये हमारा स्टोन टाइटन है। नो 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 नो, 5 मिनट जाओ। बच गए, इस तरह अपनी चमगादड़ मार दी हमें। बिल्कुल भी हेल्थ नहीं बची है, जल्दी से मर जाए बस। ओह नो, ये देखिए मार दिया इसने हमें, शिट। चलिए मैजिक ले लेते हैं, मैजिक नहीं हेल्थ ले लेते हैं। अब मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी रेज का, देखते रेज से क्या होता है, फर्क पड़ता है क्या। अगर हम रेज से इसको मार पाए, ओह माय गॉड, ये स्पिन अटैक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसका। सो जाओ, और अब मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी मेरा सारा मैजिक खत्म हो चुका है, और ये टाइटन ठीक नहीं मरा है। और बिल्कुल भी नहीं बची है, चलिए 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 मर गया ये। बस अब क्यूटी परफॉर्म करना है अब। हाई लेवल पर जाना है हमें, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। चलिए चलते हैं आगे, कर लेते हैं फटाफट से सेव।
हमें हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। और ये देखिए हमारा स्वागत करने के लिए आगे स्केलेटन्स, और इन स्केलेटन्स को मारने का एक बहुत ही शानदार तरीका है जो कि मैं यूज़ करूँगा। मैं भाग जाऊँगा यहाँ से आगे और इस एरिए में आ जाऊँगा, और ये स्केलेटन इस एरिए में नहीं आ सकते, मैं आराम से नहीं मार दूँगा। ये देखिए स्केलेटन्स कितने समझदार है, जैसे मैं अटैक करने वाला आता हूँ ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने आप को। ओ नो यो स्केलेटन से हमारी ही मार दी, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं चेक पॉइंट मिला था, हम सेफ हैं। चलिए स्केलेटन से मैं अंदर नहीं लड़ूंगा, स्केलेटन को मैं छोड़ के नहीं जा सकता, तो अगर मैं छोड़ के गया तो मेरा डायन ऑफ चले जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एक और बार ट्राई करेंगे, स्केलेटन से फिर मार दिया हमें, लगता है थोड़े डायन ऑफ छोड़ने पड़ेंगे। ये स्पिन कर जाते हैं, वापस स्पिन कर जाते हैं अंदर, मोस्टली हमने मार ही दिया है, एक दो बचे हैं बस, उनको भी खत्म कर देते हैं। चलिए सारे स्केलेटन्स को मार दिया हमने, रेड ऑरेंज ले लिए हैं, चलते हैं ऊपर। और ये जगह जो हम अभी आएंगे आपको जाने पहचाने से लगेगी, क्योंकि हम यहीं से गए थे। ये देखिए डेस्टिनी एस्ट्रम में आ गए हम, तो मैं यहाँ पे हेल्थ छोड़ के गया था, इसलिए छोड़ के गया था, तो ज़्यादा टाइम मुझे मालूम था मुझे इसकी नीड पड़ेगी, बट मैं अंदर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक चेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चेस्ट है, मैं यहाँ वापस जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चेस्ट लेने के लिए मैं जाना पड़ेगा, रास्ता दूसरी साइड है। देखिए आपको सामने चेस्ट दिख रहा होगा, पहले लेते छोटा चेस्ट, ये देखिए कितने सारे ऑप्स, फिर लेते हैं ये बड़ा चेस्ट, देखिए कितने सारे रेड ऑप्स हैं इसमें, मेरे ख्याल से 5000 के करीब होते हैं इसमें। और हमारी ब्लेड लेवल 4 पे आ चुकी है दोस्तों, थोड़ी और आसानी होगी हमें इस गेम में। चलिए वापस चलते हैं, हम बस यही लेने आए थे। सेव कर लेते हैं फटाफट से, और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।